मेरा नाम है प्रकाश निखार। मेरी वाइफ मिसेस उषा निखार वो रेखी की एक स्टूडेंट है और उसने अभी उसका जो थर्ड लेवल है उसका चल रहा है। अभी उसको मैंने प्रॉम्प्ट इसलिए किया क्योंकि मुझे मैं कन्विंस हो गया कि रेखी जो है इट हैज गॉट सम ट्रूथ इन दैट और लॉजिक है और उसका इफेक्ट दिखाई देता है, विजिबल इफेक्ट दिखाई देता है। पहले उसके पहले मैंने बहुत से साइंस स्टडी किए थे तो मुझे लगा कि ये तो बहुत से तो बकवास है और मार्केटिंग गिमिक्स में लोग अपनी जो भी है करा वो सेल करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका कोई फायदा इतना होता नहीं है। लेकिन रेखी के बारे में मैंने अनुभव किया, एक तो पहले आपका लेक्चर मैंने देखा और लेक्चर देखा तो आई वॉज इंड्यूस्ड जो बाकी जो साइंस है उसमें एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है उसके बारे में बहुत से लोग उनके वीडियोस है कुछ प्रेडिक्शन देते हैं लेकिन प्रेडिक्शन जो देते हैं वो सच हुआ कि नहीं इसका कोई वेरिफिकेशन तो है ही नहीं तो हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन जो लोग ट्रैक रखते हैं तो उनके समझ में आता है कि एस्ट्रोलॉजर ने जो बोला था वो तो बकवास था लेकिन भूल गए और जो एस्ट्रोलॉजर है वो फिर अपना नया प्रेडिक्शन देता है। अभी ऐसा तो सीखने में कोई फायदा नहीं है और फिर कुछ जब जाप वाले भी कुछ साइंसेस रहते हैं और जब जाप वाले हैं वहां पर लोग तो जॉब करने के लिए बोलते हैं लेकिन उनके पास जो अवेलेबिलिटी जो है सर उसकी अरे कोई लेक्चर अगर करेगा उसके बारे में सब्जेक्ट सिखाने के लिए वीडियो बनाते हैं और बहुत से वीडियो बनाते हैं लेकिन 10-12 वीडियो बनाने के बाद उनके पास जो मटेरियल है वो तो खत्म हो जाता है तो उसके बाद में क्या करना है तो कुछ नहीं करते वो लोग। और उसकी जो अगर हम लोग वेरीफाई करेंगे कि भाई उसका कोई रिजल्ट आता है कि नहीं तो रिजल्ट तो दिखता ही नहीं है तो ये जो बकवास है तो मेरा ऐसा लगा कि रेखी भी शायद ऐसा ही हो गया है। इनफैक्ट मैं जब ऑफिस में था तो मेरे कोई सीनियर्स थे तो एक सीनियर थे उन्होंने रेखी का सेकंड लेवल पार किया था तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि इट इज वेरी सिग्निफिकेंट है करके लेकिन उन्होंने किया उसके बाद में जब मैंने एक बार कभी आपका लेक्चर सुना तो मुझे लगा कि रेखी रेखी इतनी यहाँ पर इतने वीडियोज है अपन ट्राई करके तो देखते हैं कि रेखी क्या चीज है करके। तो जब भी आपका लेक्चर सुना तो मुझे लगा कि थोड़ा वेरिफिकेशन करते हैं कि होता है कि नहीं करके तो मैंने मिसेस को उसमें प्रमोट किया। उसमें एक्चुअली मैं खुद हिप्नोसिस के लिए हिप्नोटिज्म के लिए स्टूडेंट बना था तो हिप्नोटिज्म के लिए गया था मैंने एक बहुत रिनाउंड हिप्नोटिस्ट थे लेकिन उनके बाद जब भी मैंने वो कोर्स पूरा किया तभी मुझे पता चला ये अपने बस की बात नहीं है क्योंकि मेरा तो उसमें लॉजिकल माइंड नहीं होना चाहिए ये उनका कहना था तो मेरा लॉजिकल माइंड है इसलिए मैंने सुना कि ये रेखी जो है वो मैं अपने मिसेस को देती शी इज वेरी रिलीजियस वेरी रिजिड और वेरी मेटिकुलस तो उसके बारे में भी आई वॉज एक्चुअली डाउटफुल कि वेदर ये है कि नहीं जस्ट ट्रायल करके उसको दिया था लेकिन उसका जब अटेंडमेंट हुआ फर्स्ट अटेंडमेंट तो अटेंडमेंट देखने के बाद मुझे उसका जो शी वॉज हैविंग सम काइंड ऑफ वाइब्रेशन एंड समथिंग तो आई थॉट देर इज सम ट्रूथ इन दिस सो आई मस्ट बिलीव बिकॉज देर इज यू आर हैविंग एविडेंस राइट इन योर फ्रंट सो ये तो होना ही चाहिए देन आई अलाउ दैट एंड देन इट वॉज सच मिराकल क्योंकि हार्ट पेशेंट फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 4-5 years बट वेन शी स्टार्टेड ट्रीटिंग मी देन आई स्टार्टेड फीलिंग द डिफरेंस एंड देन आई हैड आई वॉज सच यू कैन से मल्टीपल टास्किंग दैट वॉज विथ मी सो फार एज दिस सफरिंग्स आर कंसर्न I had problems of heart attack, there were thyroid also, then there were some so many other things.
two twice I was I survived that even paralysis attacks also. So when she started treating me, then I started feeling a bit comfortable. Earlier I was not able to even stand up because I used to feel vertigo. That vertigo disappeared. Totally disappeared. And then, even thyroid also, doctors don't agree. They advise you to take this thyroid medicine right up to the end of the life. But then... Lifetime. But so far I feel that, the thyroid is actually gone. But just as a safety measure, I continue to take them just mechanically. In short, you believe that Reiki actually works. I am very much convinced. Very much. And that is why I told her that she. Congratulations to you. She has been doing such a wonderful thing that because of her, I have learned even that chokure also. Also, you also learned. Very good. So, and I actually feel the difference. Whenever I have a problem, when there is any kind of discomfort or some health problem, I find that that helps and I feel immediately better. There are two, three occasions when I would have otherwise been hospitalized. But when she treated me, then occasion was averted and I was very comfortable. So I am very proud to say that last 2023, I have never gone to any hospital at all. That's great. That's great. I really feel that if I cannot do something, because she's doing that on your part. Yes, she must do it. And not that, sometimes if I feel that I have actually controlled over that logical mind, then I will also start doing it. Of course, you can do that. I really give credit to you because you have really inspired her and she has done wonderful things. Because of your guidance. So nice. Thank you so much. Thank you for trusting her. Okay. Thank you very much. God bless. Thank you.